Hey guys, welcome on my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon for daily updates. Hello students, let's start our fourth chapter in detail. जो भी फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें हम कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसकी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेटजीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एमटीपी, एसटीडीज के बारे में रीड करेंगे. लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इट्स प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज. कि जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसको क्रिएट करने में, अचीव करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर जो भी कंप्लीट जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज होती हैं. देखिए, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, की पूरे जो भी वर्ल्ड है उसमें इंडिया पहली ऐसी कंट्री है टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट ए नेशनल लेवल, जिसने नेशनल लेवल पे अपने प्लान्स और प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं. किसके लिए स्टार्ट किए हैं? टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल. किसके लिए? कि जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो भी हमारा सोशल गोल है उसको अटेंड करने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन, कि कौन सी कंट्री थी फर्स्ट टाइम, तो वो कौन सी थी? इंडिया. दिस प्रोग्राम्स कॉल फैमिली प्लानिंग्स, और ये जो भी प्रोग्राम्स थे ये क्या थे? फैमिली प्लानिंग्स. और वो कब स्टार्ट हुए थे? वर इनिशिएटेड इन 1951. अगेन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, कि जो भी फैमिली प्लानिंग्स जो भी प्रोग्राम्स थे इंडिया में वो कब स्टार्ट हुए? सो वो स्टार्ट हुए थे इन 1951 एंड वर पीरियोडिकली असिस्ट ओवर द पास्ट डिकेड. और जो भी फैमिली प्लानिंग्स के जो भी प्रोग्राम्स थे ये जो भी पिछले कुछ जो भी पास्ट जो भी सदी आ रही थी उसमें इनमें इम्प्रूवमेंट टू है. इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर, कि जो भी इस टाइप से जो भी डे बाई डे जो भी इम्प्रूव्ड जो भी प्रोग्राम हो रहे थे ये क्या क्या कवर कर रहे थे? रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ के जो भी डे बाई डे जो भी प्रोग्राम से इनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा था. सो जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एरियाज़ थे आर करंटली इन ऑपरेशन, इन प्रोग्राम्स के अंडर ऑपरेशन में थे अंडर द पॉपुलर नेम. और उनको क्या नेम दिया था? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCS मोस्टली इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है. कि जो भी डे बाई डे जो भी पास्ट डिकेड्स में जो भी प्रोग्राम्स इम्प्रूवमेंट हो रहे थे इन एक ऑपरेशन के अंडर, इनको एट प्रेजेंट क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स क्रिएटिंग अवेयरनेस. यहाँ पर अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि जो भी RCS जो भी प्रोग्राम्स थे इनका काम क्या था? तो देखिए, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, कि जो भी पीपल हैं उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट. जो भी रिप्रोडक्शन के जो भी अलग अलग जो भी एस्पेक्ट थे उसके बारे में पीपल्स को अवेयर करना एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी. और जो भी पीपल्स थे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे या फिर जो भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए सपोर्ट करते थे आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम. जो भी RCS के जो भी प्रोग्राम्स थे इनके ये मेजर टास्क थे. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट. क्या बता दिया? कि या तो ऑडियो सिग्नल से या फिर विजुअली सिग्नल से या फिर प्रिंट से या फिर मीडिया से, जो भी गवर्नमेंटल या फिर जो भी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि जो भी पीपल हैं उनके बीच में जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं उनके लिए उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जा सके. पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड आल्सो हैव ए मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ द अबो इन्फॉर्मेशन. इसके अलावा जो भी पेरेंट्स या फिर जो भी क्लोजली रिलेटिव जो भी पर्सन होते हैं या फिर जो भी टीचर्स होते हैं जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनका भी जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट होते हैं इनके बारे में अवेयर करने का एक, या फिर सिंपली बोल सकते हैं कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का एक अच्छा मीडियम है. इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन स्कूल शुड आल्सो बी इंकरेज्ड, कि जो भी स्कूल्स वगैरह हैं उसके बारे उनमें सेक्स एजुकेशन की जो भी स्टडी है उसको इंकरेज करना चाहिए. क्यों? टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग, ताकि जो भी यंग है उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके. सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीव इन मिथ्स. सो ताकि किसके लिए? कि जो भी बच्चे जो होते हैं उनको हम डिस्करेज कर सके कि जो भी मिथ्स यानी कि जो भी भ्रांति होती हैं या फिर जो भी झूठ होते हैं उसमें वो बिलीव ना करें. एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट या फिर जो भी सेक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट जो भी हैं उनके बारे में जो भी उनके मिसकंसेप्शन है उनको क्लियर कर सकें. प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्चुअल प्रैक्टिस, STD, AIDS एटसेट्रा वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलसेंट एज ग्रुप टू लीड ए रिप्रोडक्टिवली हेल्थी लाइफ.
कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, जो भी एडोलसेंस जो भी एज होती है उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जो भी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस सेफ और हाइजेनिक कैसे हुए, या फिर जो भी एसटीडीज जो डिजीज होती हैं, एड्स जो होती है, इनके बारे में अवेयरनेस करना चाहिए एडोलसेंट जो भी एज ग्रुप होती है, ताकि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ वो जी सकें। एजुकेटिंग पीपल या फिर पीपल्स को एजुकेट करना चाहिए कौन कौन से स्पेशली फर्टाइल कपल या फिर जो भी मैरिजेबल एज ग्रुप में जो है उनको एजुकेट करना चाहिए अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, जो भी बर्थ कंट्रोल ऑप्शन है उनके बारे में उनको एजुकेट करना चाहिए, या फिर जो भी प्रेग्नेंट मदर है उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, या फिर जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो भी मदर होती है और जो भी चाइल्ड होती है उसकी पोस्ट नेटल केयर कैसे करें, या जो भी ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, या जो भी मेल और जो भी फीमेल चाइल्ड है इसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए एट्सेट्रा। ये सारे के सारे कुछ एम्स हैं वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कंसीसियस हेल्थी फैमिली ऑफ डिजायर्ड साइज, की जो भी यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में उनको एजुकेट करना चाहिए ताकि एक सोशली और हेल्थी फैमिली जितनी डिजायर्ड साइज की जितनी चाहते उतनी हुए। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, कि इसके अलावा हमें जो भी पीपल्स होते हैं उनको अगर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है तब उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनके बारे में भी अवेयर करना चाहिए। जो भी सोशल इवेल्स होती हैं लाइक सेक्स अब्यूज और जो भी सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं एट्सेट्रा नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम, कि इनके बारे में भी हमें उनको इतना अवेयर करना चाहिए कि जो भी पीपल हैं वो उनके बारे में सोचे और उनको रोकने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लें एंड देयरफॉर बिल्ड अप ए सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्थी सोसाइटी, ताकि एक कोई भी जो सोसाइटी हेल्थी सोसाइटी को वो बिल्डअप कर सके। सो मोस्टली यहाँ पर ये 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि जो भी आरसीएस जो भी प्रोग्राम्स होते हैं इनके कौन कौन से एम्स होते हैं। नॉट ऑल दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई एम अगेन रिपीटिंग, नॉट ऑल दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड लर्न दम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। Students, don't forget to like the video, subscribe my channel and press the bell icon for daily updates. Thank you.